पहले रग रग से मेरी खून निचोड़ा उसने, अब ये कहता है कि रंगत ही मेरी पीली है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जी हां, मोदी सरकार के अंतिम बजट में इस बार कुछ ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिन्हें सुनकर देखकर आपको भी लगेगा कि ये बजट नहीं बल्कि चुनावी घोषणा पत्र है। तो इस बार आईने की नजर से देखेंगे कि चुनावी साल में चुनावी बजट के क्या हैं मायने, क्या है राहुल के न्यूनतम आमदनी के ऐलान की सच्चाई, और समझने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर पर नित नए पैंतरे क्या चुनाव में बाजी पलट पाएंगे। तो सबसे पहले बात चुनावी घोषणा पत्र की, यानी बजट की। दरअसल मोदी सरकार ने जाते जाते जख्मों पर मलहम लगाने का दिखावा किया है। जी हां, सरकार ने किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं की जिससे लगे कि उसे इनकी कितनी फिक्र है। हालांकि सच तो यही है कि जो वारसी साहब ने फरमाया है कि पहले रग रग से मेरी खून निचोड़ा उसने, यानी नोटबंदी, जीएसटी जैसी योजनाएं और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि पर झूठे वादों से ही तो जनता की माली हालत बिगड़ी है। खैर, आइए पहले जल्दी से एक नज़र डालें बजट की खास बातों पर। 5 लाख रुपए तक की कमाई पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को नाम दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कर्मचारी राज्य बीमा निगम नियम के तहत पात्रता 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रतिमाह वेतन की गई। श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए तक की गई। पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर 2% ब्याज सहायता की घोषणा। घोषणाएं तो और बहुत सी हैं, लेकिन ये वो खास बातें हैं जो सीधे मजदूरों और किसानों से जुड़ी हैं। लेकिन समय के साथ साथ पता चलेगा कि ये छलावे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसे रेगिस्तान में भटकते प्यासे इंसान को आपने देखा होगा कि पानी दिखने का भ्रम उसे होता है, वैसे ही ये योजनाएं भरमाती हैं। आइए उदाहरण के तौर पर किसान सम्मान निधि को ही देख लेते हैं और उसकी हकीकत को ही समझ लेते हैं। किसान सम्मान निधि मोदी सरकार की जुमलेबाजी का ताजा नमूना है। किसानों को साल में 6,000 रुपए की घोषणा करके सरकार ये दिखा रही है कि वो उनका सम्मान करती है। हकीकत ये है कि इसमें भी किसानों के लिए परेशानी खड़ी होगी। घोषणा के मुताबिक जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन या उससे कम है, उन्हें साल में 6,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल देश में भूमि रिकॉर्ड इतने दुरुस्त नहीं है कि हर किसान ये साबित कर सके कि उसके पास कितनी जमीन है। किसानों को नापजोक अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ये साबित करना होगा कि उनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। भूमि रिकॉर्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना है। इसके बाद भी अगर 6,000 रुपए मिल भी जाते हैं तो इसका मतलब महीने के 500 रुपए और एक दिन के लगभग 17 रुपए। अगर एक किसान के परिवार में 4 लोग हैं तो ये राशि पर हेड यानी प्रति व्यक्ति केवल 4 या 4.5 रुपए पड़ती है। इसीलिए राहुल गांधी ने इसे किसानों का अपमान बताया है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? ऐसे बजट की ऐसी बहुत सी घोषणाओं को बारीकी से देखा जाएगा तो उस जन्नत की हकीकत समझ में आ जाएगी जिसके ख्वाब मोदी सरकार पिछले 5 सालों से दिखाते आई है। और अब वो बीते सालों में क्या हुआ इसकी बात न करके अगले 10 सालों की बात कर रही है। आइए जरा इस बयान को सुन लेते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक किसानों के लिए इससे बड़ी योजना कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं बनाई है। इस योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को हर साल, ये एक बार नहीं है, हर साल 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इस योजना पर एक साल में 75,000 करोड़ रुपये का खर्च लगेगा। तो पश्चिम बंगाल की रैली में मोदी जी ये बखान कर रहे थे। अब अगर विपक्षी मोदी जी को जुमलेबाज कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? देश में किसानों की हालत बद से बदतर है,
कल ही पीएम आवास का घेराव करने पहुंचे किसानों को राजधानी दिल्ली पहुंचने से पहले डीएनडी पर रोक दिया गया। कहीं किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कहीं भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मांग रहे हैं, कहीं लाचार होकर अपनी फसल सड़क पर फेंक रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपये देंगे। खैर, किसान भी अब मोदी सरकार और भाजपा की हकीकत समझने लगे हैं। इसीलिए विधानसभा चुनावों में जो पिछला जो चुनाव हुआ है, 5 में से 3 विधानसभा में उन्होंने भाजपा को हराया है, जबकि कांग्रेस उन्हें अपने पाले में करने में कामयाब हुई। और उस कामयाबी के बाद एक बार फिर राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव चला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि हम एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। 2019 का चुनाव जीतने के बाद देश के हर गरीब को कांग्रेस पार्टी की सरकार न्यूनतम आमदनी गारंटी देगी। हर गरीब व्यक्ति के बैंक खाते में न्यूनतम आमदनी रहेगी। उनकी ये घोषणा चुनाव से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस घोषणा से राजनीति में खलबली मची हुई है, खासकर भाजपा में, और उसने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पूछा जा रहा है कि इस योजना को लागू करने के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी, योजना के लाभार्थी कैसे तय होंगे, गरीबी रेखा का निर्धारण क्या नए सिरे से होगा। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक आबादी का 22% देश में गरीबी रेखा से नीचे था। अब भी ये आंकड़ा आसपास ही होगा, ऐसे में 30-32 लाख लोगों के लिए न्यूनतम आमदनी की व्यवस्था कैसे होगी। ये सारे सवाल जायज हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो असंभव नहीं है। सरकार अलग अलग सब्सिडियों पर सालाना 500 लाख करोड़ रुपए खर्च करती ही है। अगर इन सब्सिडियों की जगह न्यूनतम आमदनी की व्यवस्था हो तो हर एक नागरिक की जरूरत भी पूरी होगी, उसका हक भी उसे मिलेगा और सम्मान भी बना रहेगा। दरअसल ये विचार यूनिवर्सल बेसिक इनकम का है, यानी सरकार देश के हर नागरिक के लिए एक निश्चित आय की व्यवस्था करेगी और इसके लिए किसी तरह का काम करने या उसकी पात्रता होने की शर्त नहीं रहती है। मकसद केवल इतना है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक इंसान को जीवन यापन के लिए न्यूनतम आय का प्रावधान होना चाहिए। वैसे राहुल गांधी की इस घोषणा ने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे की याद दिला दी। तो अब जब गरीबों को केंद्र में लाकर राजनीति की जा रही है तो जरा उस इतिहास को भी पलट लेते हैं और आइए देखते हैं कि गरीबी कब कब राजनीति के केंद्र में बनी रही और गरीबी के आधार पर राजनीति होती रही। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। ऐसे नारे उन्होंने चुनावी सभाओं में लगाए और कांग्रेस को 518 में से 352 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली। महात्मा गांधी तो हमेशा ही अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने की बात करते थे, लेकिन राजनेताओं ने कभी उनकी बात पर ईमानदारी से अमल ही नहीं किया। वैसे 1867-68 में सबसे पहले दादा भाई नौरेजी ने गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी साल 1938 में इसकी पहल की थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हर 3 में से 2 व्यक्ति गरीब थे। आज सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर 3 में से 1 व्यक्ति गरीब है, लेकिन भारत की गरीबी को देखने के लिए न किसी खास चश्मे की जरूरत है, न किसी आंकड़े की। वैसे इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया था उसे पूरा करने के लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाए थे। 1973 में श्रीमान कृषक एवं खेतिहर मजदूर एजेंसी और लघु कृषक विकास एजेंसी और 1975 में गरीबी उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम गांव के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और गरीबी घटाने के लिए प्रभावशाली साबित हुए। 1977 में गरीबी दर 52% थी जो 1983 में 44% हो गई थी। तो मोदी सरकार का दावा है कि गरीबी का प्रतिशत अब भी कम हुआ है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि अमीरों की संपत्ति में कितना इजाफा हुआ और गरीबी और अमीरी के बीच की खाई कितनी बढ़ गई है। गरीबी के कारण क्या हैं इस पर भी कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। साल 2011 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि गरीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार और प्रभावहीन प्रबंधन इसमें बड़ी बाधा है। तब यूपीए की सरकार थी, अब एनडीए की है, लेकिन गरीबी बढ़ने के कारण अब भी वही है। गरीबों के लिए बनी सरकारी योजनाएं सफल नहीं हो पाई हैं। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी बढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर, विकास की कम दर, महंगाई, कीमतों में वृद्धि, जनसंख्या का दबाव, बेरोजगारी, पूंजी की कमी, कुशल श्रम और तकनीकी ज्ञान की कमी, उचित औद्योगिकीकरण का अभाव और भूमि और संपत्ति का असमान वितरण। गरीबी के ये कारण अब भी ज्यों के त्यों हैं।
दरअसल सरकारी दावे कुछ भी हों, कदम कदम पर गरीबी का नज़ारा सबकी पोल खोल ही देता है। भाजपा सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है, इसीलिए हकीकत के दर्द को दबाने के लिए धर्म की अफीमी तरकीब चुनावी मौके पर बार बार आजमाई जाती है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरह राम मंदिर बनने का मुद्दा एक बार फिर जीवन मरण जैसा सवाल बना दिया गया है। भाजपा ने राम मंदिर के सहारे राजनीति की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी और 2014 के मंदिर निर्माण के वादे के साथ ही सत्ता पर काबिज भी हुई, लेकिन 5 साल पूरे होते होते भाजपा के इस वादे की हकीकत भी सामने आने लगी तो हिंदूवादी संगठनों और साधु संतों ने नाराजगी जाहिर करने के साथ अल्टीमेटम देना भी शुरू कर दिया। ये कहा जाने लगा कि अब भाजपा को सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए सरकार ने साधु संतों को दिलासा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि अयोध्या में विवादित जमीन के आसपास जो 67.03 एकड़ अविवादित जमीन है उस पर से कोर्ट यथास्थिति हटा ले और जमीन का वो हिस्सा उसके मूल मालिक को वापस कर दे। लेकिन भाजपा का ये कदम अटल बिहारी वाजपेयी के फैसले के खिलाफ है। दरअसल 14 मार्च 2002 को राज्यसभा में दिए गए एक बयान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार जमीन की वैधानिक प्राप्तकर्ता है और अयोध्या में विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए बाध्य है। भाजपा ने अटल जी का नाम तो खूब जपा, लेकिन लगता है कि चुनाव जीतने के लिए उनकी राह पर चलना उसे मंजूर नहीं है। अयोध्या विवाद तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन देश में धर्म संसद में इस मामले का हल तलाशा जा रहा है। प्रयागराज में अर्धकुंभ के बीच 3 दिवसीय परम धर्म संसद भी लगी, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए 21 फरवरी की तारीख की घोषणा की गई। द्वारिका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने हिंदुओं से अपील की कि उन्हें गोली खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा शुरू की जाए, संघ राम मंदिर निर्माण के लिए ताकत देगा, एक कार सेवा से मंदिर नहीं बनने वाला है। इन बयानों से लग रहा था कि भाजपा की असल ताकत यानी हिंदुत्व के तथा कथित पहरेदार उससे छिटक जाएंगे और चुनावों में उसे परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन अब राम मंदिर निर्माण के लिए मोदी सरकार को धर्म संसद से फिलहाल 6 महीने की मोहलत मिल गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मंदिर की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई केंद्र की अपील पर फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसका वहां मौजूद साधु संतों ने भी समर्थन किया और इस बात पर एकमत हुए कि चूंकि मोदी सरकार से ही मंदिर निर्माण की आस है, इसीलिए इसे एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। तो भाजपा को फिलहाल धर्म संसद से राहत मिल गई है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है और उसे यानी भाजपा को जनता की अदालत में भी जाना है। इसीलिए फिलहाल नीति और नियत दोनों में ईमानदारी दिखानी जरूरी है। यूं भी हसरत मोहानी साहब कह गए हैं कि बरसात के आते ही तौबा न रही बाकी, बादल जो नजर आए बदली मेरी नीयत भी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।